हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरसीएससी फैंटेसी में। गाइस, इस वीडियो में यहां पे कवर करने वाले हैं मेलबर्न रेनेगेड्स वर्सेस ब्रिस्बेन हीट के बीच में होने वाले कल के बिग बैश मुकाबले की। तो गाइस, यहां पे आपको बहुत ही बेहतरीन टीम में बना के दूंगा और साथ में आपको यहां पे पूरी हेल्प कर दूंगा, कौन सा प्लेयर कैसे खेलेगा भाई, कौन चलेगा और 1 करोड़ में आपको किसको ट्राई करना चाहिए, गाइज वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और साथ में आपको मिल जाएगा गाइज यहाँ पर 20,000 रुपी का गिव वे। तो आपको एक सिंपल सा आंसर देना है क्वेश्चन का, क्वेश्चन के मैं आपको यहाँ वीडियो के बीच में पूछूंगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पर यह है कि आपको T20 का पहले इस ग्राउंड साइमन स्टेडियम में गिलोंग में हो रहा है मैच, ठीक है। पिच रिपोर्ट यह है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले भाई T20 स्टैटिक्स हम पे क्या है। देखो भाई यहाँ पर अभी तक हुए हैं 7 मैच, ठीक है। 7 में से यहाँ पे जो जिस टीम ने यहाँ पे पहले बैटिंग की उसने जीते हैं 4, और जिस टीम ने सेकंड बैटिंग की उसने जीते 3। यहाँ पर जो पिच का बारे में ये रिपोर्ट आ रहा है कि यहाँ पे जो पिच की आउटफील्ड है काफ़ी यहाँ पे स्लो है, तो यहाँ पे बैट्समैनों को काफ़ी यहाँ पे मुसीबत होती है मारते हुए, ठीक है, शॉट मारते हुए। तो गाइज वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहाँ पर जो सेकंड बैटिंग करने आएगी टीम वहाँ पर पिच क्रैक हो सकती है, तो वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम होने के चांस है। तो इसलिए यहाँ पर जो भी टीम खेलती है यहाँ पर पहले बैटिंग लेना ही पसंद करेगी आई थिंक, ठीक है। तो इस मैच में शायद यही हो सकता है कि जो भी टीम यहाँ पर पहले टॉस जीते तो यहाँ पर पहले बैटिंग ले। एवरेज स्कोर यहाँ पर है जी 147 जो पहली इनिंग का यहाँ पर एवरेज स्कोर है, ठीक है। और यहाँ पर जो हाइस्ट स्कोर अभी तक बना हुआ है 173 हाइस्ट स्कोर यहाँ पर अभी तक बना हुआ है, ठीक है, जो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था। लोएस्ट स्कोर यहाँ पर है UAE ने बनाया था 73 रन। उसके बाद गाइज अगर स्कोरिंग पैटर्न की अगर बात की जाए ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे 150 से नीचे 3 बार स्कोर हुआ है, 150 से 170 के बीच में यहाँ पे 3 बार स्कोर हुआ है, और 170 से 90 के बीच में यहाँ पे 1 बार स्कोर हुआ है ओनली। यानी कि आप ये मान के चलिए कि 150 तक का यहाँ पे एवरेज मान लो कि इस टाइप का ही स्कोर यहाँ पे दिखने को मिलेगा, जो नॉर्मली हमको आज कल यहाँ पे BBL में दिखने को मिल रहा है, ठीक है। पॉसिबल लाइनअप एंड स्टेट्स की अगर बात की जाए तो भाई पॉसिबल लाइनअप ये हो सकती है मेलबर्न रेनेगेड्स के अगर बारे में बात की जाए तो आप देख सकते हैं भाई ये टीम ना दोनों मैच जीत के आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जीतने का चांस भी यहाँ पे भाई मेलबर्न रेनेगेड्स के काफ़ी अच्छे हैं, टीम काफ़ी यहाँ पे बैलेंस है, ठीक है। तो पहला मैच यहाँ पे 22 रन से जीत गई थी, दूसरा रन यहाँ पे 4 विकेट से जीत गई थी। तो भाई यहाँ पे इनका ओपनर आएंगे हार्पर एंड मैंडिसन। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया भाई जो हार्पर है भाई ये जिताएगा आपको 1 करोड़ रुपये कल के मैच में, ठीक है। तो हार्पर को बिल्कुल ट्राई कर लेना भाई ग्राइंडिंग में, कम से कम 3-4 टीम में इसको कैप्टन कर लेना। देखो 2 मैच में फेल हुआ, ठीक है, 21-0। तो भाई हर मैच में थोड़ा फेल होने के लिए खेल रहा है, ठीक है। कैप्टन इस मैच में यहाँ पे पिछले BBL में आपने देखा था कितना अच्छा स्कोर इसने किया था, 60-70 रन मारता आराम से। तो इसको भाई आप एज ए पंट यहाँ पर ट्राई कर लेना ग्राइंडिंग में, और स्मॉल लीग में तो इसको आपको रखना ही है। उसके बाद गाइस यहाँ पे मैंडिसन है 87 रन मारे हैं 39 मिनट, दोनों मैच में अच्छा ही खेला है, ठीक है। आप ग्राइंडिंग में आप भाई इसको ड्रॉप कर लेना, क्योंकि ग्राइंडिंग में मेहरबानी होगी, क्योंकि ज़्यादातर परसेंटेज लोगों ने इसको लिया है, और आप अगर इसको लेते हो तो आपके हारने के चांस, मीन ग्राइंडिंग नहीं जीतने के चांस। स्मॉल लीग में तो आपको इसको पिक करना ही है, ठीक है, स्मॉल लीग में इसको ड्रॉप मत करना वरना हार जाओगे। उसके बाद गाइज एक और पंट है यहाँ पे 1 करोड़ जो जिता सकता है आपको, वो है यहाँ पे मैग्रुक, ठीक है। 3 रन मारे हैं 24 रन मारे हैं, अगर कल खेलता है 1 डाउन आएगा तो मैग्रुक को अपनी टीम में रख लेना भाई, बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है। ये है बिल्कुल हिट एंड मिस वाले प्लेयर, मार गए तो भाई 70-80 मार देंगे, 1-0 पे आउट होने वाले, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ पे आउट ऑफ फॉर्म है यहाँ पे फिंच, जो पहले मैच में आउट ऑफ फॉर्म थे, दूसरे मैच में उन्होंने अच्छी यहाँ पे परफॉर्मेंस करके 70 रन मार देते भाई। तो फिंच को आप स्मॉल लीग में जरूर ट्राई कर लेना, क्योंकि लास्ट मैच में बहुत अच्छा खेले थे, ठीक है। तो फिंच यहाँ पे अपना स्मॉल लीग में बनता है, ग्रैंड लीग में भी आप इसको ट्राई कर लेना। उसके बाद गाइस यहाँ पे आएंगे वेल्स, वेल्स का आप स्कोर देख सकते हैं, ये भी एक आप एज्यूम करके कि सपोज यहाँ के 3 बैट्समैन ऊपर के आउट हो गए तो यहाँ पे से वेल्स आप आएंगे, तो एक ग्रैंड लीग में आप ऐसे बना सकते हैं कि हार्पर को आउट करा दीजिए मैंडिसन एंड मैग्रुक, फिंच को आउट करा के आप वेल्स और यहाँ पर रसेल का कैप्टन वाइस कैप्टन कम्बिनेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से भी आप एक ग्रैंड लीग यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे आएंगे रसेल, पहले मैच में 35 रन मारे थे 1 विकेट लिया था, दूसरे मैच में 7 रन मारे 1 विकेट लिया, यानी कि ओवर पूरा करा रहे भाई, ठीक है। और यहाँ पे अगर इनको खेलने का मौका मिलता है नीचे आके तो भाई रन मारने के काफ़ी अच्छे चांस है। उसके बाद गए यहाँ पे आते हैं हुसैन, तो हुसैन का आप देखेंगे पहले मैच में 3 विकेट, दूसरे मैच में 1 विकेट, यानी ओवर पूरे किए हैं, ठीक है। और 13 रन भी उन्होंने मारा था लास्ट में, यानी बैटिंग ऑर्डर में भी 6वें 7वें नंबर पर आ जा रहे हैं खेलने के लिए। तो गाइस ये थोड़ा बेनिफिट वाली बात हमको इस बॉलर के साथ, ठीक है। तो इस हिसाब से हम ए हुसैन को अपनी टीम में रख सकते हैं। उसके बाद गाइस सदरलैंड को आप ड्रॉप कर लेना, पूरे ओवर फेंकने को नहीं मिल रहे, 2 ओवर 1 ओवर, ज़्यादा खास इसका परफॉर्मेंस रहा नहीं है।
अब यहाँ पे रोजर्स यहाँ पे हो सकते हैं भाई आपके ग्रैंड लीग के एक और पिक, ठीक है, ग्रैंड लीग में इसको ट्राई कर सकते हैं आप। बट इसने अच्छा यहाँ पे बॉलिंग भी किया गया, ऐसा नहीं है, पिटा थोड़ा यहाँ पे रन ज़्यादा दिए हैं, 4 ओवर 41 रन 2 विकेट, ठीक है, पहले मैच में 3 ओवर 33 दे दिए, यानी 11-11 की औसत से यहाँ पर रन दे रहा है, ठीक है, बट यहाँ पर परफॉर्मेंस इसका काफ़ी अच्छा है। उसके बाद गए यहाँ पर कैंडी चर्सन आते हैं, यहाँ पर मुजीब और रहमान आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुजीब का भी गाइस खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे केन रिचर्डसन का भी देखेंगे कुछ खास परफॉर्मेंस, यानी रिचर्डसन ने गाइस यहाँ पे बॉलिंग तो अच्छी की है, 4 ओवर 30 रन यानी कि किफ़ायती बॉलिंग की है, बट यहाँ पे विकेट नहीं मिल पाया इसको, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मुजीब का भी वही सेम परफॉर्मेंस है, तो यहाँ पे आप इन दोनों को अपनी टीम में ट्राई कर लेना। अब बात करते हैं गाइस यहाँ पर हम मेलबर्न हीट की, ठीक है, तो मेलबर्न हीट ने भाई जो मैच खेला, सॉरी मेलबर्न हीट, ब्रिस्बेन हीट ने गए जो यहाँ पर पहला मैच खेला गया, जो वहाँ पे लॉस कर दिया था, ठीक है, 22 रन से हारे हैं ये लोग। तो उसके बाद गए यहाँ पे आप देखेंगे जो इनके ओपनिंग आते हैं, ब्राउन आते हैं, ब्रेंट आता है, ठीक है, दोनों ही अच्छे भाई बैट्समैन है, ठीक है, रिसेंटली फॉर्म ठीक ठाक है इन दोनों का। ब्रेंट को एज ए ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्लेयर है। उसके बाद गए यहाँ पे मुंड्रो आते हैं, विलिंग्स आते हैं, मुंड्रो का गाइज भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। उसके बाद गए यहाँ पे प्रेशर आते हैं, ठीक है, पिछले मैच 43 रन की इन्होंने यहाँ पे इनिंग खेली थी। उसके बाद गाइस यहाँ पे वाइटली आते हैं, वाइटली का आप देख सकते हैं कि 84 रन और एक ओवर इन्होंने किया था। उसके बाद गाइस यहाँ पे बैजली आते हैं, बैजली को पक्का अपनी टीम आप ट्राई करना भाई, ये रन भी मारता है बॉलर, ये ऑलराउंडर प्लेयर है, और यहाँ पे 4 ओवर देकर 19 रन देकर यहाँ पे 2 विकेट इन्होंने यहाँ पे लिए थे। उसके बाद गाइस यहाँ पे स्टैक्टी आएंगे, जेवियर बैरलेट आएंगे, एंड यहाँ पर स्वेप्सन आएंगे जो कि काफ़ी अच्छे यहाँ पे बॉलर है, 4 ओवर में 30 रन देके 1 विकेट। एंड यहाँ पे जो लास्ट मैच के हीरो रहते हैं वो है कुनेमान, ने यहाँ पे 4 ओवर में 32 रन देके 3 विकेट लिए, तो काफ़ी अच्छे यहाँ पे स्पिनर है, तो इनको भी आप ट्राई कर लेना भाई, ठीक है, स्मॉल लीग की टीम में। तो गाइज अब यहाँ पे बात करते हैं कि भाई वो जो मैंने यहाँ पे आपको पहले बताया था कि आपको यहाँ पे कल के मैच में 20,000 का एक गिव अवे में दे रहा हूँ, उसमें आपको क्या करना है कि मुंड्रो के रन एंड आपको फिंच के रन, ठीक है, इनका टोटल नहीं बताना, ठीक है, इनका आपको मुझे बताना है कि एग्जैक्ट इनके अलग अलग कितने रन होंगे। सपोज मुंडो मारते हैं यहाँ पे 13 रन एंड फिंच मारते हैं यहाँ पे 43 रन, तो आपको कमेंट में लिखना मुंडो रन इज 13, फिंच रन इज 43। अगर आपके दोनों तुक्के सही हो गए गाइस तो मैं आपको दूंगा 20,000 रुपये का गिव अवे। अगर मुंडो मारते 0, फिंच भी मारते 0, तो आप कमेंट में लिख दिए मुंडो रन इज 0, फिंच रन इज 0, ठीक है। कई बार होते हैं कि दोनों प्लेयर 0 पे सपोज आउट हो गए, ठीक है, तो गाइज आपको मिल जाएगा 20,000 रुपये का गिव अवे अगर आपका तुक्का सही लगे। बहुत ही आसान है, सिर्फ आप यहाँ पे वीडियो अगर मेरे देख रहे हैं तो गाइज ये तुक्का भी आप मार ही दीजिए, ठीक है, और वीडियो को जरूर लाइक कर देना भाई, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आपको इस चैनल पर फुटबॉल की, क्रिकेट की सारी टीम यहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ। अब बात करते हैं ड्रीम 11 की अच्छी टीम की, तो गाइज बात करते हैं हम पहले भाई विकेट कीपर से। तो यहाँ से हम विकेट कीपर लेने वाले हैं सैम हार्पर को, गाइज बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्लेयर है, ठीक है, तो आपको इसको ही अपनी टीम में यहाँ पर रखना है हार्पर को, ठीक है। यहाँ पर से बिलिंग्स को भी आप ट्राई कर सकते हैं, बट मैं जा रहा हूँ भाई यहाँ पर हार्पर के साथ, क्योंकि इसने आ रहा है ओपनिंग है और इसको यहाँ पर पूरा 20 ओवर खेलने का मौका मिलेगा। अब ये खेले ना खेले ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, आप बिलिंग्स को भी रख सकते हो भाई अगर आप चाहो तो। बैटिंग की बात करें तो यहाँ से मैं फिंच के साथ जा रहा हूँ, मुंड्रो के साथ जा रहा हूँ, एंड मैं यहाँ से जा रहा हूँ ब्रांड के साथ। अब आप यहाँ से ब्रांड को आप ड्रॉप करके आप वाइटली को भी रख सकते हैं, वाइटली ने भाई ओवर भी किया था, ठीक है, स्पिन कराता है, तो आप यहाँ से वाइटली के साथ भी आ सकते हैं, आप वाइटली को ड्रॉप करके या तो फिर ब्रांड को भी अपनी टीम में रख सकते हैं, जैसा भी आपको सुटेबल लगे। ऑलराउंडर में मैं जा रहा हूँ भाई यहाँ पे मैंडिसन के साथ, जो कि बहुत ही अच्छी फॉर्म में, दोनों मैच में इसने रन किए बट इसने ओवर नहीं किया, ठीक है, थोड़ा ड्रॉबैक है कि इसने ओवर नहीं किया। आप चाहो तो इसको ड्रॉप भी कर सकते हो, क्या पता अगले मैच फेल हो जाए, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं इसको रख रहा हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पे मैं रसेल के साथ जा रहा हूँ, एंड यहाँ से मैं जा रहा हूँ बैजली के साथ, ठीक है, तो बैजली गाइस यहाँ पे बहुत ही अच्छे यहाँ पर प्लेयर है, इसलिए मैं उसके साथ जा रहा हूँ। सदरलैंड तो यहाँ पे भाई इसको आप ड्रॉप ही कर दो, एज ए ग्रैंड लीग की ट्राई आप कर लेना सदरलैंड को रखने के लिए, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पे मैं ए हुसैन के साथ जा रहा हूँ, कुनेमान के साथ जा रहा हूँ, रिचर्डसन के साथ जा रहा हूँ, एंड यहाँ पे रोजर के साथ जा रहा हूँ, ठीक है, ये 4 मैंने यहाँ पे प्लेयर रख लिया। अब आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पे कि आप रोजर को हटा के मुजीब को अपनी टीम में रख सकते हैं, ये भी अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, इसको भी आप अपनी टीम में ट्राई करते हैं, पर मैं यहाँ पे सिर्फ रोजर को अपनी टीम में रख रहा हूँ क्योंकि इसका मुझे अच्छा यहाँ पर बॉलिंग लगा था लास्ट मैच में, पैसर है भाई, डेथ में आता है बॉलिंग करने के लिए और इसके ज़्यादा चांस हो जाते हैं भाई विकेट लेने के मुजीब के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे कैप्टन वाइज कैप्टन की बात किया तो वाइज कैप्टन मेरे बैजली होंगे एंड कैप्टन मेरे यहाँ से रसेली होंगे फिलहाल अभी तो गाइज, बट ये मेरी फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको मिलेगी गाइज मेरे टेलीग्राम चैनल में। अब टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और मेरे आपको यहाँ पर फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा,
तो गाइज आपको वहाँ पर फाइनल टीम मिल जाएगी, और वहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छी यहाँ पर अपने टेलीग्राम में यहाँ पर टीम प्रोवाइड कराता हूँ। तो एक बार गाइज मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये देख सकते हैं गाइज आप यहाँ पे फुटबॉल की टीम मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी है। फुटबॉल का पूरा आपको मैं यहाँ पे देता हूँ, ये टीम देता हूँ, और यहाँ पे आप ग्रैंड लीग की देखेंगे मेरी फुटबॉल में जो वॉन की है इस फीफा वर्ल्ड कप में, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको मैं फ्री टीम प्रोवाइड करा दूँगा। अगर गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को गाइज सब्सक्राइब कर देना अगर आप पहली बार मेरे चैनल में यहाँ पर आएँ। ओके गाइज बेस्ट ऑफ लक।